नमस्कार मैं हूं शशि आइए झारखंड के टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं झारखंड के सभी स्कूलों में बिना टीसी अगली कक्षा में नामांकन झारखंड के सभी स्कूलों में अब नामांकन बिना ट्रांसफर सर्टिफिकेट के ही हो सकेगा शिक्षा परियोजना ने इसे संबंधित आदेश सभी जिलों की कक्षा एक से छठी नौवीं और ग्यारहवीं के लिए जारी कर दिया है नए नियमों के मुताबिक सभी जिलों को बच्चों की आयु के अनुसार ही दाखिला लेने को कहा गया है कक्षा नौवीं व ग्यारहवीं के विद्यार्थियों को बोर्ड का रिजल्ट जारी होने के बाद प्रमाण पत्र जमा करना होगा राज्य में एक जुलाई से नया शैक्षणिक सत्र शुरू होगा नए सत्र में बच्चों के नामांकन को लेकर दिशा निर्देश दिया गया है बच्चों के नामांकन के लिए राज्य भर में एक से पंद्रह जुलाई तक विशेष नामांकन अभियान चलेगा झांसी निदेशक ने मंगलवार को जिलों को भेजे गए पत्र में नई शिक्षा नीति 2020 के तहत शत प्रतिशत बच्चों का नामांकन सुनिश्चित कराने को कहा है मौसम विभाग ने झारखंड के उत्तर पूर्वी भाग धनबाद देवघर दुमका गिरिडीह गोड्डा जामताड़ा पाकुड़ और साहेबगंज में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है इसको लेकर येलो अलर्ट जारी किया है साथ ही राज्य में कहीं कहीं गर्जन वज्रपात होने की संभावना जताई है 30 जून को राज्य में कहीं कहीं गर्जन या वज्रपात की संभावना है वहीं राज्य के उत्तर भाग और निकटवर्ती मध्य भाग में कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना है इसके अलावा एक और दो जुलाई को राज्य में करीब सभी स्थानों पर हल्के से मत दर्ज की बारिश की संभावना है इस दौरान कहीं कहीं गर्जन वज्रपात होने की संभावना जताई गई है कन्हैयालाल मॉर्डर के बाद झारखंड में अलर्ट राजस्थान के उदयपुर की घटना के बाद से ही रांची सहित पूरे झारखंड में अलर्ट घोषित कर दिया गया है पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों को यह आदेश दिया है कि वे सतर्क रहे और अपने जिले के मूड मिजाज पर नजर रखें जहां कहीं भी सांप्रदायिक तनाव की आशंका महसूस हो वहां सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करें बता दें रांची में 10 जून को जुमे की नमाज के बाद उपद्रव पत्थरबाजी गोलीबारी की घटना के बाद से ही सभी जिलों में तैनात अतिरिक्त बल को अब भी वहीं रखा गया है पुलिस मुख्यालय ने जिलों को अपने अतिरिक्त बल को सभी संवेदनशील क्षेत्रों में तैनात रहने का आदेश दिया है और यह भी कहा है कि खासकर धार्मिक स्थलों के आसपास सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम रखे ताकि कोई असामाजिक तत्व माहौल को खराब करने की कोशिश न कर पाए पीएम मोदी 12 जुलाई को देवघर एयरपोर्ट का करेंगे उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लंबे समय बाद झारखंड आ रहे हैं प्रधानमंत्री 12 जुलाई को देवघर एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे इस मौके पर वह जनसभा को भी संबोधित करेंगे इसकी तैयारी शुरू कर दी गई है भाजपा के नेता सक्रिय हो गए हैं कई नेता देवघर में कैंप कर तैयारियों की जायज़ा ले रहे हैं झारखंड के लिए यह इसलिए गौरवपूर्ण समय है क्योंकि यहाँ अब दूसरे बड़े एयरपोर्ट का शुभारम्भ होने जा रहा है बता दें अभी तक झारखंड में रांची एयरपोर्ट ही यात्रियों का एकमात्र सहारा था लेकिन देवघर एयरपोर्ट शुरू हो जाने से न सिर्फ झारखंड बल्कि पश्चिम बंगाल और बिहार के लोगों को भी सुविधाएं बढ़ जाएंगी महिला हॉकी विश्व कप में झारखंड की तीन बेटियों को मिला मौका आगामी एक जुलाई से सत्रह जुलाई तक नीदरलैंड और स्पेन में होने एफ महिला हॉकी वर्ल्ड कप के लिए झारखंड की तीन खिलाड़ी निकी प्रधान सलीमा टेटे और संगीता कुमारी का चयन किया गया है झारखंड के लिए इतिहास में यह पहला अवसर है कि वर्ल्ड कप खेलने वाली भारतीय महिला हॉकी टीम में झारखंड की तीन खिलाड़ियों का चयन हुआ है बता दें झारखंड के लोगों ने तीनों खिलाड़ियों को महिला हॉकी विश्व कप में चयन के लिए खूब बधाई दी है बता दें झारखंड की निक्की प्रधान पूर्व में दो ओलंपिक खेल भी खेल चुकी हैं झारखंड में कोरोना के साय में जगन्नाथ और श्रावणी मेला राज्य में कोरोना एक बार फिर रफ्तार पकड़ रही है लगभग हर दिन आंकड़े बढ़ रहे हैं मंगलवार को राज्य में कोरोना के तिरपन नए मामले सामने आए हैं इसमें रांची और देवघर ऐसे जिले हैं जहां कोरोना के सर्वाधिक केस हैं वहीं ये दोनों जिले ऐसे हैं जहाँ दो बड़े आयोजन होने जा रहे हैं बता दें रांची में जहां ऐतिहासिक जगन्नाथ मेला लगने वाला है वहीं देवघर में विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला शुरू हो रहा है ऐसे में दोनों बड़े मेले कोरोना के साय में आयोजित होने जा रहे हैं दोनों जिलों में कोरोना संक्रमण का बढ़ना चिंताजनक है टाटा ग्रोथ शॉप में नियुक्ति का निकला विज्ञापन टाटा स्टील ने टाटा ग्रोथ शॉप गमहरिया में एक साल के लिए अनुबंध पर विभिन्न पदों के लिए बहाली निकाली है टाटा ग्रोथ शॉप के कर्मचारी वार्ड और पंजीकृत संबंधी के साथ ही ट्यूब डिवीजन रॉ मटेरियल डिवीजन के सारे कोलियरी आवश्यक खदान और खदान विपणन और बिक्री सीआरसी वायर डिवीजन एच ओ डिवीजन टाटा स्टील कलिंगानगर और टाटा स्टील मेरा मंडली के कर्मचारी पुत्र दामाद और पत्नी के लिए आवेदन कर सकते हैं सभी आवेदनों को एक साल के लिए अनुबंध पर बहाल किया जाएगा स्वास्थ्य मंत्रालय ने जांच का दायरा बढ़ाने का दिया निर्देश जीनोम मशीन अब तक चालू नहीं कोरोना के बढ़ते रफ्तार की वजह से स्वास्थ्य मंत्रालय ने जांच का दायरा बढ़ाने को कहा है लेकिन रिम्स में लगी जीनोम सिक्वेंसिंग अब शुरू नहीं हो पाई है इसकी बड़ी वजह ज़रूरी उपकरणों का ना होना है धीरे धीरे जरूरी मशीनों को मंगवाया जा रहा है जिसके चलते अब तक इस मशीन का उपयोग संभव नहीं हुआ है ऐसे में नए वेरिएंट की जांच के लिए कुछ दिनों तक फिर से दूसरे राज्यों पर ही निर्भर रहना पड़ सकता है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय राज्यों से लगातार जांच का दायरा बढ़ाने का आग्रह कर रहा है लेकिन झारखंड में जीनोम सीक्वेंसिंग की जांच मशीन की खरीद प्रक्रिया ही चल रही है आज जारी होगा झारखंड बोर्ड इंटर कॉमर्स का रिजल्ट जैक बोर्ड बारहवीं का आर्ट्स और कॉमर्स रिजल्ट आज झारखंड बोर्ड की ओर से घोषित कर दिया जाएगा एक बार जारी होने के बाद छात्र आधिकारिक वेबसाइट पर अपने जैक बारहवीं के परिणाम 2022 की जांच कर सकेंगे बता दें झारखंड एजुकेशन बोर्ड कक्षा बारहवीं के परिणाम का इंतजार छात्रों की ओर से किया जा रहा है ऐसे में बारहवीं आर्ट्स कॉमर्स परिणाम दो आज दोपहर ढाई बजे जारी कर दिया जाएगा एक बार रिजल्ट जारी हो जाने के बाद बरहवीं रिजल्ट 2022 हज़ार दो लाख से ज़्यादा उम्मीदवारों के लिए उपलब्ध कराया जाएगा साहिबगंज में सीएम हेमंत ने दी डेयरी प्लांट की सौगात संताल परगना के दो दिवसीय दौरे पर आए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने संताल वासियों को अत्याधुनिक डेयरी प्लांट की बड़ी सौगात दी है इस मौके पर सीएम सीरी सोरेन ने कहा कि इस डेयरी प्लांट के चालू होने से किसान और पशुपालन दुग्ध उत्पादकों की जिंदगी में अमूलचूल बदलाव आएगा इनकी आमदनी बढ़ेगी इस तरह किसान भाई बहनों के साथ राज्य भी आत्मनिर्भर बनेगा मुख्यमंत्री ने दुग्ध उत्पादकों के सम्मान राशि के तौर पर दस करोड़ रुपए का चेक झारखंड मिल्क फेडरेशन को सौंपा है झारखंड में इंटर के बराबर मैट्रिक स्टेट टॉपर्स को मिलेगी प्रोत्साहन राशि दो दिवसीय संताल दौरे पर आए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गोड्डा के सुंदर पहाड़ी में सुंदरवर्ती डमरू हॉट में लोगों के बीच परिसंपत्तियों और नियुक्ति पत्र प्रदान किया इस मौके पर राज्य में मैट्रिक के स्टेट टॉपर तनु कुमारी को सम्मानित भी किया वहीं सीएम श्री सोरेन ने मैट्रिक टॉपर्स की प्रोत्साहन राशि में बढ़ोतरी की घोषणा की है सीएम श्री सोरेन ने कहा है कि राज्य के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा में परेशानी न हो इसको देखते हुए सरकार ने मैट्रिक टॉपर्स की सम्मान राशि में बढ़ोतरी का निर्णय लिया है इसके तहत मैट्रिक में प्रथम स्थान पाने वाले स्टूडेंट को सम्मान राशि के तौर पर तीन लाख रुपए देने का निर्णय लिया है लालपनिया के दाका सांडम जंगल में पुलिस नक्सली मुठभेड़ लालपनिया जगेश्वर थाना क्षेत्र के पहाड़ की तलहटी के गांव दाका सांडम जंगल में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हो गई यह मुठभेड़ नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे सर्च ऑपरेशन के दौरान हुई मिली जानकारी के अनुसार मुठभेड़ में दोनों ओर से सैकड़ों राउंड गोलियां चली है पुलिस के बढ़ते दबिश और खुद को घिरता देख नक्सली जंगल की ओर भाग गए सर्च अभियान में नक्सलियों के छुपा कर रखे गए कई सामान भी बरामद हुए हैं पारा शिक्षकों का आकलन परीक्षा 31 जुलाई तक पारा शिक्षकों के मानदेय वृद्धि के लिए आकलन परीक्षा 31 जुलाई तक होगी परीक्षा के 20 दिन पहले विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा झारखंड एकेडमी काउंसिल के अध्यक्ष अनिल कुमार महतो ने इसकी जानकारी बुधवार को झारखंड राज्य प्रशिक्षित सहायक अध्यापक संघ के प्रतिनिधिमंडल को दी उन्होंने बताया कि कक्षा एक से पाँच के पारा शिक्षकों के लिए दो अंक एवं कक्षा छः से आठ के शिक्षकों के लिए अढ़ाई अंकों की परीक्षा आयोजित होगी परीक्षा का सिलेबस राज्य सरकार द्वारा जारी किया जाएगा हाई कोर्ट ने होम सेक्रेटरी को हड़काया झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन और जस्टिस एस एन प्रसाद की अदालत में गवाह की सुरक्षा को लेकर स्वतः संज्ञान के दर्ज मामले में सुनवाई हुई इस मामले में जब अदालत ने गृह सचिव को कोर्ट में तलब किया तो आनंद फानंद में सरकार ने मंगलवार को गोवा सुरक्षा योजना का गजट प्रकाशन किया गया बुधवार को गृह सचिव अदालत में उपस्थित हुए और बताया कि राज्य में गोवा सुरक्षा योजना लागू कर दी गई है अदालत ने इस बात को लेकर नाराजगी जताई कि जब वर्ष 2019 में राज्य सरकार ने गुवाओं की सुरक्षा को लेकर योजना बना ही दी थी तो गजट प्रकाशन में इतनी देर क्यों हो गई राष्ट्रपति चुनाव को लेकर विद्रोह की स्थिति सातारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा ने विपक्ष के साझा प्रत्याशी यशवंत सिन्हा के नामांकन समारोह से दूरी बनाकर द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में रहने के स्पष्ट संकेत दिए हैं हाँ। राज्य में मोर्चा की सहयोगी कांग्रेस में भी इसी धर पर आगे बढ़ने की सुबुगाहट है बता दें आरजेडी प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देने के मामले में कांग्रेस के कुछ विधायक भी पार्टी लाइन से अलग जाकर वोटिंग कर सकते हैं इसके पीछे उनकी मंशा आदिवासी मतदाताओं को बांधे रखने की है कांग्रेस के ऐसे विधायकों को डर सता रहा है कि आदिवासी हित को नज़रअंदाज करने का नुकसान उन्हें चुनाव के दरमियान उठाना पड़ सकता है धन्यवाद